आपने तो सुना ही होगा कि गांव के विकास के लिए लोग सरपंच का चुनाव करते हैं, लेकिन अगर सरपंच ही गांव के विकास की ओर ध्यान ना दे तो गांव का भला कैसे होगा। ऐसे ही सरपंच की लापरवाही का मामला जिला बालोद डोंडी ग्राम पंचायत चिकली आश्रित ग्राम गोटुल मुंडा से हमारे सामने आया है। यहाँ के सरपंच एवं सचिव की लापरवाही के कारण ग्रामीण बिना स्ट्रीट लाइट, बिना सीसी रोड और अन्य सुविधाओं से महरूम रहना पड़ रहा है। यहाँ के ग्रामवासी अंधेरे एवं कीचड़ दलदल में अपना जीवन बसर कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ के लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों में इनके खिलाफ रोष है। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच सचिव को कई बार इस समस्या को लेकर अवगत करवाया गया, मगर इसके बावजूद किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। न जाने कब तक हमारी समस्याओं का हल होगा। हाँ माता जी, आप मन ये ईसन ये जो रोड है वो इतना खराब है, ये कब से है? 25-30 साल हो गए हैं। तो एकर बारे में आप मन है सरपंच सचिव पंचायत में कोई जानकारी कोई नहीं दे हो? सब ला दे हैं, सचिव ला सरपंच ला। आप हमें बताइए ये स्थिति कब से है, आपके मोहल्ले की रोड की इतनी दयनीय जो स्थिति है ये कब से है? हम लोग जब से बसे हैं 30-40 साल हो गया बसे हैं, तब से स्थिति मोहल्ला का ऐसी ही है। सरपंच सचिव को हम लोग आवेदन देते देते 15-20 साल हो गया, थक गए हैं। हमारे मोहल्ले में जो भी सीमेंटीकरण आया उसको 17 वार्ड में दे दिया और वहाँ पर ठीक ठाक सब चल रहे हैं और हमारे मोहल्ले के सभी बच्चे लोग स्कूल जाने वाले कहीं पर गिर रहे हैं, जाते समय कहीं पर पड़ रहे हैं, उसके हालत से बच्चे लोग मतलब स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। तो और बाकी जो किसान हैं और आने जाने वाले हैं गांव मोहल्ला के हैं, उन लोग भी कहीं पर चल नहीं पा रहे हैं, फिर भी चल रहे हैं, क्या करेंगे, घर पर बैठ तो नहीं सकते हैं हम लोग। तो सरपंच सचिव ही इस सब का जिम्मेदार है, हमारे मोहल्ले पर कोई ये ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं भाई एकदम से कहीं। सर जी, आप इस मोहल्ले के आपके मोहल्ले के इस रोड के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे इस मोहल्ले का गली मरम्मत के लिए कई बार बोला गया है सरपंच सचिव को, तो बोला गया है उनकी तरफ से कि आज भी निकल चुका है, लेकिन करते करते यहाँ कई साल बीत गया ना, अभी तक गली मरम्मत हुआ ना स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हुई। स्ट्रीट लाइट के बारे में पूछने पर भी बोला गया था सामान आ चुका है, अभी लगेगा, मगर अभी तक तो ऐसा कुछ प्रोसेस यहाँ हुआ नहीं है। गली की हालत आप खुद ही देख रहे हैं, इसके कारण से पूरा गली में इतना कीचड़ है, बच्चों का आना जाना, महिलाओं का आना जाना, रात के समय तो ऐसा होता है अंधेरे में आदमी घर से बाहर ही निकल। ये माता जी अपने घर से निकल के आ रही हैं, आइए जानते हैं, देख रहे हैं इनके पैर कितने दलदल में फंसे हुए हैं। ये कब से ऐसा है माता जी? 15-20 साल हो गए हमारे इसने चला था हम चिखल में, तेहर क्या करेंगे, कोई करके पत्थर या गिट्टी मुरुम लान लान के का कथे डालते हैं गड्ढा में, और गड्ढा में जो डालते हैं तो फिर पानी आता है, फिर धुलाक निकल जाता है, फिर लद्दी में चल रहे हैं चिखल में इतना। तो आप अपने पंचायत में ये सब मोहल्ले के बारे में कोई जानकारी नहीं दिए हैं आप लोग? कई बार दे चुके हैं, कोई सुनाई नहीं, कोई सुनते नहीं है। सरपंच सरपंच है जीतते तक के हैं, अपने का कहते पैकेट भर लेते, पैकेट भरने के बाद में अपने मिटका देते, कोई ध्यान नहीं देते है गली के बारे में। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।